हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्नर। फ्रेंड्स, आज सेसन में आम बीईडी रो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कशन करवा, जोटा कि आम 2021 रो क्वेश्चंस। ठीक अच्छे, तो आज आम साइंस रो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कशन करवा। प्रीवियसली आम गोटे आर्टस रो पीवाईक्यू को डिस्कशन करदे, जदि आप देखी ना चैनल को जाकि देखिपारे कि डिस्क्रिप्शन बक्स में तार लिंक देदेवि। तो आज क्वेश्चंस जो रही क्वेश्चन सेट से आप 9 अक्टोबर में आपंकर होता। ठीक अच्छे, तो तार पार्ट वन को आम डिस्कसन करवा एज यूजुआल, जमीती कि आम प्रिभसली। तो भिडियोटी भल लगे निश्चित भाव गोटे लाइक करने सांग सहित सेयार करेंगे, आई आपर पी वाई क्यूज को डिस्कसन बी एड रिलेटेड भिडियो चैनल टी सब्सक्राइब करने। ओके, तेज चलत देखा कौन सब रही है आपंकर क्वेश्चंस। ओके, तो देखो फास्ट जमी आप जानते हैं कि इंग्लीश आप 10 गोटी क्वेश्चन आसता है। तो फास्ट क्वेश्चन कौन अच्छे देखो, यदि पेयर ऑफ द वर्ड्स गिवेन इन द स्पेशल कैपिटलाइज लेटर इज रिलेटेड इन सम वे फ्रॉम द ऑप्शन चूज द पेयर, माने आपंकर मंक हैबिट सहित जमी रिलेटेड आउ कौ वर्डटा आप रिलेटेड अच्छे, जमी मंकटा हैबिट सहित रिलेटेड। तो से भाया आप जज अच्छी जज आउ रब जमी मंक हैबिट सहित रिलेटेड। ठीक अच्छे, कल्चरल आपंकर जो प्रथा गुड़िक से आग को नबारे माने कौन व्यवहार करती, ठीक से भाई जज रब सहित रिलेटेड। ओके, ऑप्शन नंबर डी हो राइट आंसर। देन अच्छे टू कौन अच्छे, सीट ऑन द फेंस ए इडियम्स टार मीनिंग आपको पचार, तो यार मीनिंग कौन हम ना टू अवॉइड मेकिंग अ डिसीजन, आप गोटे कौन भी डिसीजन नबारे नबारे ना माने आप अवॉइड करेंगे सब बड़े। ओके, सीट ऑन द फेंस। देन अच्छे कौन ना दि प्रिफिक्स ओमनी इन दि वर्ड ओमनिवरस। ओके, ओमनिवरस जो अच्छे आम वर्डटा ता प्रिफिक्स लगी ओमनी। ओके, तो से ओमनी रो मीनिंगटा कौन टुगेदर फॉरवर्ड आफ्टर ऑल। सो आप जो ओमनी रो मीनिंग्स हूँ टुगेदर भी हो पार कि फॉरवर्ड किंबा आफ्टर, ये तीन टा जाक तार मीनिंग हो पार। सो ऑप्शन नंबर डी आप राइट आंसर है ऑल। ओके, देन आप कौन अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, जब फिल इन द ब्लैंक्स होती देखो, दि डेस्ट साइंटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड हैड प्रेडिक्टेड द डिजास्टर वुड बी डेस इफ ह्यूमन कैप्स एक्सप्लोइटिंग द प्लानेट। ओके, सो आप एक टाइप वर्ड अच्छी देखते कौटा आप कौटी पुट करेंगे, तो दि साइंटिस्ट मैंने कौन दि एफिशिएंट साइंटिस्ट होते हैं, साइंटिस्ट मैंने निश्चित भाव एफिशिएंट। सो से जगह आपंकर एमिनेट लगे, ठीक अच्छे इ जोटा स्टार्टिंग हुए एमिनेट ई एम आई एन एन टी। ओके, हैड प्रेडिक्टेड दैट द डिजास्टर वुड बी इमिनेट, बहुत ही मानते कौन खराब हम वर्ल्ड अवस्था जदि आप कौन इफ ह्यूमन स्केप्ड एक्सप्लोइटिंग द प्लानेट। ओके, फास्ट हम ई एम आई देन हम आई एम एम आई। ओके, दे नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छे देखते, एनसाइक्लोपीडिया आपको कह गए प्रपर मानने कौन स्पेलींग पचार, दि डेस ऑफ रेप्टाइल्स इज केप्ड इन द फास्ट सेल्फ ऑफ द लाइब्रेरी, तो आपको ये एनसाइक्लोपीडिया लाइट स्पेलींग पचार। सो एनसाइक्लोपीडिया राइट स्पेलींग कौन ना ई एन सी वाई सी एल ओ पी ई डी आई, एटा है तार राइट स्पेलींग। तेनाली बहुत कौन स्पेलींग पचार, तेणु आप चेस्टा करेंगे किसी स्पेलींग देखा किसी कष्ट शब्दर। ओके, दे नेक्स्ट अच्छे आपने देखते ये पेसेज अच्छे, जमीक पेसेज रोक 5टा क्वेश्चन आसता है, आपको गोटे अननोन पेसेज दब अनसीन पेस पेसेज ताको आप पढ़ी तार क्वेश्चन गोटे प्राक्ट करेंगे। सो आप घर निश्चित भावे पढ़ू ना कहीं बहुत लेंथी होडियोटा, आप निजे घर ट्राए करवाप। तो क्वेश्चन का डिस्कशन करदे, देखो दि अथर सजेस्टेड दैट मोस्ट रिच मैन बिजी देमसेल्फ विथ टास्क, को प्रकार टास्क रे बिजी रहंती ना ऑफ डाउटफुल इंपोर्टेंस, किसी डाउटफुल इंपोर्टेंस कार्य से बिजी रहंती ओमेन मैंने, आपको पेसेज रे अच्छे आंसर टा। ठीक अच्छे, पेसेज पढ़ी क्वेश्चन करेंगे, व्हाई इज वर्क डिजायरेबल इन द फर्स्ट प्लेस, कहीं काम को फर्स्ट प्लेस रखा जाए, बिकॉज इट फील्स गुड मेनी आवर्स ऑफ द डे। ओके, बहुत ही भल मुहूर्त को से कौन पूरण कर दिए, तो से आपंकर गुड प्लेस रखा जाए वर्क को। दे नेक्स्ट अच्छे कौन देखो, अकॉर्डिंग टू द पैसेज दि रिच कैन बी एंगेज्ड इन द फॉलोइंग एक्टिविटीज एक्सेप्ट, को प्रकार काम रिच मैंने एंगेज हूँ ना, ना तो राइट आंसर हम वेरियस सोशल एक्टिविटीज इवेन इन देयर ओल्ड एज, यहाँ हम तर राइट आंसर। ओके, ये जब आप पैसेज पढ़ी देखो, आप पैसेज पढ़ी क्वेश्चन करेंगे। ठीक अच्छे, खाली आंसरटा अच्छी मुझे खाली आपको कहीदे, बट आप सब ट्राए करेंगे आप आंसर न देखिकी पेसेज पढ़ी करने। ओके, घरे प्राक्टिस करूँ निश्चित भाव डेली रेगुलरली आप गोटे लेखाएं पेसेज को प्राक्टिस करूँ। तो अकॉर्डिंग टू द ऑथर वर्क ऑफ एनी सॉर्ट इज, तो यार राइट आंसर कौन हम ना ऑलवेज प्रिफरेबल टू बोर्डम, ऑप्शन नंबर सी हो राइट आंसर।
देन आपन को पचार छि सिनोनिम ऑफ इरेक्शन। ओके इरिक्सम रो आपन को सिनोनिम पचार छि, तो इरिक्सम रो सिनोनिम हे जीव आपन को इरिटेटिंग। ओके ऑप्शन नंबर बी। देन आपन देखंतु 10टा हमर जो इंग्लिश रो क्वेश्चन थिला ऑलरेडी मु डिस्कस कर देले। देन अछि आपन को जो जीके बा जनरल अवेयरनेस रो क्वेश्चंस, जे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए यूनिक सिस्टम ऑफ स्कूल स्पेशली टास्क्ड विथ डिस्कवरिंग टैलेंटेड चिल्ड्रेन इन रूरल एरियाज। ओके रूरल एरियाज एंड इम्पार्टिंग क्वालिटी एजुकेशन टू देम। ओके माने ग्रामांचल रे रहुथवा जणु टैलेंटेड चिल्ड्रेन मानन को पई को प्रकार स्कूल हेजी, तो एटा प्राय समस्त को जानाथिबो मु ऑलरेडी डिस्कस करछि जे जवाहर नवोदय विद्यालय। ओके जवाहर नवोदय विद्यालय आपन को ग्रामांचल बसवास करथवा मेधावी छात्र छात्री मानन को पई। ओके देन सर्जेंट स्कीम ऑफ एजुकेशन का कहा जाए कौन सर्जेंट स्कीम ऑफ एजुकेशन इज ऑल्सो नोन एज आउ कौन कह जाए राइट आंसर हो स्कीम ऑफ पोस्ट वार एजुकेशन डेवलपमेंट इन इंडिया पोस्ट वार। ओके पोस्ट वार कौन पाई कहा जाए ना एटा 1944 रे होता जोटा कि आप सेकेंड वर्ल्ड वार पर। ओके सेकेंड वर्ल्ड वार जो आमर होता तापर होता जेहेतु ये आपंकर स्कीमटा सर्जेंट कमिशनटा तेणुता आप पोस्ट वार एजुकेशनल डेवलपमेंट इन इंडिया कह जाए पोस्ट वार। ओके देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अबाउंडेंट केमिकल प्रेजेंट इन ग्लास माने आपंकर काचरे को एलिमेंटटा सबुठ अधिक परिमाण रे थाय, तो एटा समस्त को जाना थी प्राय सिलिका आपंकर सिलिकार बहुत यूज है आपंकर ग्लास तैयारी कला बेले ऑप्शन नंबर सी। ओके देन जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छे देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एकेडमिक ब्रांचेस इज नॉट द पार्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन ट्रेनिंग माने डाइट बा डाइट जो माने सिटी करती आप जानते हैं सिटी जो माने करती से डाइट रे करती तेनालीटा गोटे कौन सिटी बीएड भाया सिटी गोटे इंस्टीट्यूट जो थे आपंकर पीटी सर्विस ट्रेनिंग दि जाए माने आपंकर सर्विस करा पूर्व जो सब ट्रेनिंग से दि जाए सहित वर्क एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराए आउ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी को यूज करके दि जाए ना तेणु एजुकेशनल टेक्नोलॉजी और जो ये रहा सोशल यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क यहाँ आपंकर डाइट रे। ओके ऑप्शन नंबर ए हो तेणु राइट आंसर कहीं ये नॉट पचार कौटा नुहे। ओके ऑप्शन नंबर ए हो आप राइट आंसर यहाँ आपन को देते एसयूपीडब्ल्यू किए ना ईश्वर भाई पटेल कमिटी आपको रेकमेंड करते ये मन रखिए जे एसयूपीडब्ल्यू जो रही है ये ईश्वर भाई पटेल कमिटी आप रेकमेंड करते। ओके तो नेक्स्ट आउ कौन अच्छी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन सो देखु कौन अच्छे क्वेश्चन इन इंडिया कंपोजिशन ऑफ द कमिशन्स इज डिटरमाइंड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इन द केस ऑफ यूपीएससी बाय यूनियन ऑफ पब्लिक सर्विस कमिशन माने यूपीएससी रे जो भी सब आप कमिशन बा कमिटीज गठन हुए से मेन रोल किए माने कहा द्वारा डिटरमाइंड करा जाए ना प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आप जानते हेड ऑफ द आपंकर यूपीएससी रे जहाँ भी डिसीजन निया जाए से हेड था प्रेसिडेंट सो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आप राइट आंसर हो कंपोजिशन एंड कमिशन जहाँ भी डिटरमाइन करा जाए यूपीएससी रे से आपंकर प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंटर कौन माने मर्जी थाए बा से जहाँ तांकर अनुमति निश्चित भाव दरकार। ओके सो ऑप्शन नंबर बी हो राइट आंसर द नेक्स्ट कौन रिजनिंग आस मिक्सचर कंटेन्स प्योर घी एंड वनस्पति इन दि रेसीो 7:2। ओके घी आउ वनस्पति आप 7:2 रेसीो अच्छी माने घी आपंकर अधिका अच्छी सात भाग आपंकर घी अच्छी आउ वनस्पति अच्छी आपंकर दुई भाग। ओके इफ इट कंटेन्स 20 लिटर्स मोर घी देन वनस्पति माने घी आपंकर 20 लिटर अधिका देखंतु सात भाग अच्छी घी दुई भाग अच्छी आपंकर वनस्पति तो से अनुसार देखंतु 20 लिटर आपंकर घी अधिका अच्छी तो दि क्वांटिटी ऑफ देन पचार छी आपंकर दि क्वांटिटी ऑफ प्योर घी इन दि मिक्सचर माने मिक्सचर रे आपंकर घी रो अनुपात केते रही छी सेटा पचार छी सो आपंकर रेशियो केते अछि ना 7:2 आपंकर घी आउ वनस्पति रो अनुपात अछि 7:2। ओके आउ आपनको कहि छी जे घी आपंकर 20 लीटर अधिका अछि तो यांको भीतर अनुपात रो डिफरेंस केते ना 5 रेशियो एक्स्ट्रा अछि बा अनुपात डिफरेंस अछि तांकर 25 रेशियो तो सेइटार मूल्य आपनको दै छी देखंथु 20 लीटर एक्स्ट्रा अछि कहि के। ओके ऑब्वियसली ये 5 रेशियो अधिका अच्छी 20 लीटर एक्स्ट्रा अच्छे। ओके सो आपण मैंने देखिले कि ये अनुपात रेसीयर डिफरेंस 5 ठीक से भाई ये आपको 20 लिटर्स अधिका अच्छी घीटा तेणु 5 रेसीो इक्वल टू 20 लिटर ये 1 रेसीयर भैल्यू आपंकर आसीजिए केते ना 4 लिटर तो आपको पचार घीर परिमाण के घीर अनुपात के 7 तो 7 रेसीो आप बाहर करेंगे सेमती 7 रेसीो हम 7:4 समान 28 लिटर। ओके सो आपंकर घी अच्छे ये ऑप्शन नंबर सी 28 लीटर। ओके
जापारे देन जी नेक्स्ट क्वेश्चन डिरेक्शन अच्छे डक्शन को बेस करके राहुल वाक्स इन ईस्ट डिरेक्शन 70 किलोमीटर से ईस्ट को जाते ना 70 किलोमीटर। फर्स्ट ऑफ ऑल आप कौन करेंगे ना आप डिरेक्शन जो अच्छे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ आपको कौन ड्र करे देखु ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ देन आपको कही सी कौन ना से राहुल 70 किलोमीटर गला ईस्ट को सो ईस्ट को धरा जाए सी एतिक जाए आसला के 70 किलोमीटर 70 किलोमीटर आसला देन कह आफ्टर दैट ही टर्नस टू वेस्ट डिरेक्शन एंड वाक 10 किलोमीटर वेस्ट को पुणी वेस्ट को पटे यपटे यपटे अच्छे वेस्ट तेणु सी वेस्ट को फेरला के 10 किलोमीटर धर जाऊ एतिक जाए आसला जोटा कि 10 किलोमीटर फेरला देन फाइनाली ही टर्नस टू साउथ डिरेक्शन एंड वाक्स 11 किलोमीटर ओके साउथ कौटा हम यहाँ हम साउथ सो से साउथ को गला 11 किलोमीटर ओके सो 11 आसला दे आपको पचार हाउ फार इज ही फ्रम दि स्टार्टिंग पॉइंट ये स्टार्टिंग पॉइंट रू के दूर से सी अच्छे मैंने आपको यही बाहर करार अच्छे डिस्टान्सटा के प्लस तार कौ डिरेक्शन तो आपने देखिपुत ये जो डिरेक्शन ये कौ साउथ आउ ईस्ट मझे अच्छी मैंने ओभीयसली साउथ ईस्ट हो तो आप देखो साउथ ईस्ट यहाँ यहाँ तो ये आपको बाहर करार अच्छे के दूर से अच्छे सो यहाँ आपर अलरेडी 11 अच्छी तो यहाँ टोटाल आपर 70 10 सी रिटर्न कर मैंने यहाँ के 60 सो यहाँ 60 आपंकर यहाँ 11 तो यहाँ आपने जानते हैं गोटे राइट एंगल ट्राइंगल हो तो पिथागोरियस थ्योरम पकाइए एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो यहाँ जो आप सल्व करेंगे यहाँ एच कौटा यहाँ तार एच एचटा बाहर करेंगे तेणु एच एच र स्क्वायर इक्वल टू 11 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर र होल रूट ओवर यहाँ एच इक्वल टू सो यहाँ सल्व कले आपने देखिए 61 हम तार आंसर बाहर सो ऑप्शन नंबर बी आपको राइट आंसर हो 61 किलोमीटर साउथ ईस्ट ओके ऑप्शन नंबर बी हम राइट आंसर देन जी नेक्स्ट नेक्स्ट कौन देखो इन सर्टेन कोड लैंग्वेज जेब्रा इज कॉडेड आरबेज देन व्हाट विल द कोड ऑफ जिराफ ओके देन देखु आपको जेब्रार कोड दिखाई आरबेज तो आप देखते ये जो जेब्रा अच्छे ये केवल रिवर्स ऑर्डर में लिखाई देखते जेड ई बी आर एपटू देखो अपोजिट ऑर्डर में लिखाई जेड ई बी आर ए ओके खाली रिवर्स ऑर्डर में लिखाई ठीक से भाई जिराफ को आपड़ उल्टा आठ लिखने से राइट आंसर देखो जदि जिराफ को आप रिवर्स ऑर्डर लिखा जाए कौन हम फास्ट हम आप ओके देन हम आप एफ एफ देन हम ए आर ओके ए आर आई जि ओके ये हम तो देखो कौटी अच्छे ये लेटरटा आप वार्डटा कौ ऑप्शन अच्छे आपंकर ना ई एफ एफ ए आर आई जि सो ऑप्शन नंबर बी हो राइट आंसर केवल जेब्रा देखिए ये देखते अल्टे के लिखाई ठीक से भाई जिराफ को आपड़ अल्टे के लिखे यहाँ हो रहा राइट आंसर ओके देन जी स्टेटमेंट और कनक्लूजन बेस्ट गोटे क्वेश्चन अच्छे देखते सो देखो कौन अच्छी ना आपंकर क्वेश्चन्स अच्छे कि व्हाट सुड बी द मीनिंग ऑफ ले इन द कोड लैंग्वेज माने ले रो मीनिंग कौन रहा आपको जो दुटा स्टेटमेंट देखिए आपको काढ़े ले रो मीनिंग कौन हो कौ स्टेटमेंट रू आप जानापी पाइबे सो ले मे ने रो मीनिंग होची ही इज गुड मी के ने मीन सी इज गुड ओके ताहले आपको ले रो मीनिंग्स काढ़ देखु ये तीन टा लेटर अच्छी ये भी तीन टा वर्ड अच्छी ओके सो आपठ ले काढ़ी कि कदापि नुह मैंने एकला ये केवेपरि ठीक से भाई ये तीन टा अच्छे ये भी तीन टा तेणु ये भी दे पारे मैंने से मैंने सिंगली मैंने दे पारे एका एका दे पारे सो दुटा जाक नहीं सल्व कर देखो ले मे ने ये अच्छे ही इज गुड ये अच्छे मी के ने देखते ये भी मी ने अच्छी ये भी मी ने अच्छी आठ भी इज गुड अच्छी ये भी इज गुड अच्छी सो आप कौन है ना मी आउ ने रो मीनिंग कौन है ये मी ने रो मीनिंग हो गला आपंकर इज गुड हाँ कि नहीं कहीं भी इज गुड अच्छी एटी भी इज गुड अच्छी एटी भी मी ने अच्छी एटी भी मी ने अच्छी सो ले रो मीनिंग्स कौन हो गला ना ही ओके सो राइट आंसर हो ले रो मीनिंग कौन है ना ही है तो आम जो दुटा जाक स्टेटमेंट को नेलु से आम कौन ले रो मीनिंग्सटा बाहर करूँ सो आप राइट आंसर ए हो देखते बोथ स्टेटमेंट टुगेदर आर सफिसीएंट मैंने दुटा जाक ने आम काढ़ीपे बट नाइदर स्टेटमेंट है मैंने गोटे गोटे ने कदापि आम तार आंसर पाइबानी सफिसीएंट हम नहीं सो ऑप्शन नंबर ए हो राइट आंसर देन नेक्स्ट कौन अच्छी देखो यहाँ सिलोजिम क्वेश्चन जे स्टेटमेंट कौन दिखाई ना सम प्रोड्यूसर्स आर राइटर्स सम ऑल राइटर्स आर सिंगर ओके सो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ट्राई करेंगे तार वेन डायग्राम ड्र करने ये धर राइटर्स रो ठीक अच्छे
देन आपन को पचार छी देन ता भीतर रहला अपन कर ओके देन पचार छी सम प्रोड्यूसर्स आर राइटर्स प्रोड्यूसर पई मु धरे जाऊ एटा करली सम प्रोड्यूसर्स आर राइटर्स सम प्रोड्यूसर्स आर राइटर्स गोटे मिनिट सो आपन देखंथु कोन कहि छी ना ऑल राइटर्स आर सिंगर्स ऑल राइटर्स धरे जाऊ एकर एटा जदी राइटर्स हैला ऑल राइटर्स आर सिंगर माने बाहरटा सिंगर हो ऑब्वियसली देन कहि छी आपन को सम प्रोड्यूसर्स आर राइटर्स सम प्रोड्यूसर्स आर राइटर्स ओके सम प्रोड्यूसर्स आर राइटर्स देन जदी आपनकर एटा जदी प्रोड्यूसर्स हैला एटा धरे जाऊ प्रोड्यूसर्स हैला तो सम प्रोड्यूसर्स आर राइटर्स कहीं ना प्रोड्यूसर किसी अंश राइटर्स रे जीव आपन को कही स्टेटमेंट तो कंक्लूजन कौन एवं देखिए देखो जे सी आपन को पचार सम प्रोड्यूसर्स आर सिंगर्स देखते ये स्टेटमेंट आप देखिपे कि प्रोड्यूसर सिंगर भितर जाऊँ कि ना जदि सबू राइटर आपंकर सिंगर हमें आई राइटर आपंकर प्रोड्यूसर हमें ताने कौन किसी राइटर आपंकर किसी प्रोड्यूसर आपंक सिंगर होब्वियसली हाँ कि नहीं तो देखो आउ थ कौच देन आपंकर कहटा आपंकर ऑल राइटर्स एटा जदि आपंकर राइटर हैला देन एटा हैला सिंगर पाई देन एटा हैला प्रोड्यूसर पाई देखंतु सबु राइटर जदि सिंगर हेले आ किछि राइटर आपंकर प्रोड्यूसर तो ऑब्वियसली किछि सिंगर आपंकर प्रोड्यूसर हेबे हाँ कि नहीं सो ऑप्शन नंबर 1 आपंकर ठीक अछि ऑप्शन नंबर 2 देखंतु नो राइटर इज प्रोड्यूसर सो मु आपंकर प्रीवियसली भी कहि छी जते बेले स्टेटमेंट आपंकर दुटा जगह पॉजिटिव देइथु पॉजिटिव माने देखंतु एठे नेगेटिव वर्ड किछि नै माने नो नॉट एभलिया किछि नै ओके तेणु एटा आपंकर पॉजिटिव टाइप ऑफ स्टेटमेंट तेणु गोटे पॉजिटिव टाइप ऑफ स्टेटमेंट टू नेगेटिव टाइप रो कंक्लूजन ड्रॉ करा जाय पारिबो नै तेणु एक दुटा जगह जेहतु पॉजिटिव अच्छे ये जो नो राइटर इज प्रोड्यूसर एटा गोटे नेगेटिव स्टेटमेंटा कनक्लूजनटा तेणु यहाँ कदापि भी हम ना कहीं नेगेटिव ना स्टेटमेंट तेणु नेगेटिव कनक्लूजन के ड्र करना ओके सो ऑप्शन नंबर 2 आप भूल केवल ऑप्शन नंबर 1टा ठीक हे ओके सो देखो ओनली वन फॉलोज ऑप्शन नंबर बी हम राइट आंसर ओनली वन फॉलोज ओके देन कौन अच्छे देखो ते इन ह्विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसीज ऑफ एजुकेशन डू बोथ द एजेंसी एंड इंडिविजुअल्स एक्टिवली पार्टिसिपेट कौथिरे माने आपनकर इंडिविजुअल एंड एजेंसी दीटा जको एक्टिवली पार्टिसिपेट करंती तो सेटा आपनकर कोन सेटा हिजो आपनकर इनफॉर्मल एजेंसी ऑफ एजुकेशन जोटा कि आपनकर हुए होम होम को आपनकर इनफॉर्मल एजेंसी ऑफ एजुकेशन कह जाए इनफॉर्मल एजेंसी रे आपनकर बोथ इंडिविजुअल एंड एजेंसी एक्टिवली पार्टिसिपेट करते ओके देन आसीगला आपनकर स्टेट देखंतु स्टेट बोर्ड्स में फोकस ऑन लोकल कल्चर हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ओके स्टेट बोर्ड जो सी फोकस करियो कोथिरे ना कल्चर हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी उपरे देन बट कौन अच्छे देखंतु व्हाइल द नेशनल करिकुलम फोकसेस ऑन बोर्ड्स नैरेटिव द डिफेंस नेशन से नेशन रो डेवलपमेंट उपरे कौन फोकस करियो किए ना नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बा आपनकर नेशन दिस वैलिडेशन ये जो वैलिडेशनटा ये जो वैलिडेशनटा रहा जो स्टेट आपंकर फोकस कर कल्चर हिस्ट्री उपरे आउ नेशनल करिकुलम कर नेशन उपरे तो यहाँ कौन पाई यार मान कौन सूचे यहाँ ना ये ऑप्शन नंबर डी हो राइट आंसर ये डिफरेंट सोशल एस्पिरेशन डिमांड्स डिफरेंट टाइप ऑफ एजुकेशन माने गोटे सोसाइटी डिफरेंट टाइप रो ग्रुप रो लोक अच्छा ना तेणु तक अलग अलग समस्त अलग अलग एजुकेशन नीड्स रही ओके सो यहाँ से स्टेटमेंट यहाँ सूचे डिफरेंट सोशल एस्पिरेसन डिमांड्स डिफरेंट टाइप ऑफ एजुकेशन देन नेक्स्ट कौन अच्छे देखो ह्विच इज एन इमीडिएट एक्शन इन केस ऑफ वायलेंस एंड एग्रेसन धर जो दुटे पिला आपंकर कली कर वायलेंस क्रिएट कर क्लास रे झगड़ा कर आपन कौन करेंगे से सिचुएशन रे ना प्रोटेक्ट द विक्टिम जो जहाँ सहित आपंकर झगड़ा करुंट प्रोटेक्ट करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल तो बहुत पिलांकर ये आंसर हो कि काउंसिल दि एग्रेसर एग्रेसर को काउंसलिंग करिया तो आप देखो तो फास्ट स्टेप आपको पचारे इमीडिएट एक्शन कौन हम जितेबाला दुईट पिला आप झगड़ा करते आप ऑब्वियसली जाकि बचेबे ना जन को प्रोटेक्ट दि विक्टिम जहाँ उपरे माने अधिक जीए जीए विक अच्छी जहाँ भी अच्छी झगड़ाटा को बंद करेंगे सो प्रोटेक्ट दि विक्टिम करतापर जाउनसेंग करूँ कि जहाँ भी करूँ कि फास्ट ऑफ ऑल जाकि छड़े झगड़ाटा को अटकेबे विक्टिम को प्रोटेक्ट इमीडिएट एक्शन देन कौन अच्छे दि एबिलिटी टू थिंक आबस्ट्राक्टिकली आबस्ट्राक्ट थिंकिंग केते बेले आसे
आपण देखते गोटे गोटे की वार्डस आपड़ जब धर ने आप इजिली क्वेश्चनस आंसर को करपर स्पेशली टीचिंग आप्टिट्यूड्रे ओके तो देखो आबस्ट्राक्ट थिंकिंग कौ एज्रे आसे एट प्राय जना थी समस्त आपंकर एवर दि रोल अफ कनसेप्ट लाइक डेमोक्रासी ये जो आबस्ट्राक्ट थिंकिंगटा कौ एज्रे आसे ह्यूमन रईट्स जस्टिस फेयर सोसाइटी पार जिएनएस पियाजे पियाजे जो डेभलपमेंट अच्छी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थियरी तो से अनुजाई आपंकर आबस्ट्राक्ट थिंकिंगटा केते बेले आसे ना ऑब्वियसली फॉर्मल स्टेज रे आसे जे आबस्ट्राक्ट थिंकिंगटा फॉर्मल स्टेज रे आसे सेंसरी मोटर कौन ना सी सेन्स साहय सब किसी कै ओके देन आपंकर रहा प्री ऑपरेशनल स्टेज रे तार इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट इलॉजिकल थिंकिंग ये सब होता है देन कंक्रीट रे होता है लॉजिकल थिंकिंग रिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट ये सब आसता है ओके सो ऑप्शन नंबर ए ही जो आपंकर राइट आंसर जे फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज देन नेक्स्ट कौन अच्छे देखो जे लैंग्वेज टीचर नोटिस दैट स्टूडेंट्स आर अन इंटरेस्टेड इन पोएट्री एंड हैविंग डिफिकल्टी इन कॉम्प्रिहेंसिव माने तांकर पोएट्री रे इंटरेस्ट नहीं एवं ताकु कॉम्प्रिहेंड बा बुझी पार नांती से माने ठीक भाबरे सी डेवलप्स ए मॉड्यूलर प्रोग्राम से गुटे मॉड्यूलर प्रोग्राम डेवलप कले डेवलपिंग इंटरेस्ट माने स्टूडेंट मानकर इंटरेस्ट बढ़ेबा पई क्लासरूम रे तो एई प्रकार रिसर्च को कोन कुआ जाय तो एठार राइट आंसर हिजबो एक्शन रिसर्च काहेकि ना से गुटे प्रॉब्लम देखिले ऑलरेडी प्रॉब्लम टाकु देखिले से क्लासरूम रे देन ताकु तांकर इंटरेस्ट बढ़ेबा पई पिला मानकर से कोन कले ना गुटे कौन इम्प्लीमेंट कले एप्रिसीएसन गोटे पोएट्री किसी स्टेप्स ने जहाँ भी स्टेप्स ने सो एटा कौन ना सी एक्शन मानने निजर प्रेजेंट सिचुएसन प्रोब्लेमटा को देखले और तार सल्यूसन बाहर कले तेणु एटा हो गला आपंकर एक्शन रिसर्च बट एप्लायड रिसर्च केतेबेले हो ना जोटा को सी ऑलरेडी रिसर्च करके रखी थे आनी स्टूडेंट मान ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे सेटा है एप्लायड रिसर्च बट जेहतु ये करेंट सिचुएसन कर तेणु यार राइट आंसर हो आपंकर ऑप्शन नंबर बी एक्शन रिसर्च ओके देन अच्छे देखु जे माइक्रो टीचिंग हेज सेभराल एडभांटेजेस एंड सम ऑफ देम आर गिवेन बिलो माइक्रो टीचिंग रो बहुत गुड़ाए अच्छी एडभांटेजेस किसी तले दिखाई जे कौटा बिलंग करे ना आ माइक्रो टीचिंग को बोले पचार माइक्रो कौटा गोटे कैरेक्टर नुह ओके सो ऑप्शन नंबर बी हम राइट आंसर रिजल्ट्स इन मोर परमानेंट लर्निंग बिकॉज ऑफ हाई डिग्री ऑफ स्टूडेंट पार्टिसिपेशन तो यहाँ गोटे तार डिसएडवांटेज बाकी तीन टा तार एडभांटेज देखु एक आप नोट डाउन चाहिए करेंगे ओके प्रोवाइड लेस फ्राइटेंड लेस क्लासरूम एनवायरमेंट नो प्रॉब्लम ऑफ कंट्रोलिंग एटा गोटे एडवांटेज पॉजिटिव क्रिटिसिज्म बाय मेड बाय पीयर्स ट्रेनर्स इन ए फ्रेंडली एटमॉस्फेयर देन प्रोवाइड से चांस फॉर इंस्टेंट फीडबैक ये सब रही आपंकर कौन माइक्रो टीचिंग रे बट रिजल्ट्स इन मोर परमानेंट लर्निंग बिकॉज ऑफ हाई डिग्री ऑफ स्टूडेंट पार्टिसिपेशन यहाँ हाई डिग्री ऑफ पार्टिसिपेशन हुए नहीं पिलांकर एथिरे तेणु राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी जोटा कि आपंकर नुहे कौटा नुहे पचार ऑप्शन नंबर बी देन फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन इंडिया जे यूजीसी हेज सेट अप वेरियस सीएस इन डिफरेंट ब्रांचेस बहुत गुड़ा सीएस एस्टाब्लीश कर यूजीसी 1963 रे ठीक अच्छे तो से सीएस रो फुल फॉर्म आपको पचार सीएस स्टैंड फॉर ओके सो सीएस रो फुल फॉर्म आपंकर सेंटर फॉर एडवांस स्टडी सीएस रो फुल फॉर्म कौन ना ऑप्शन नंबर ए सेंटर फॉर एडवांस स्टडीज ओके सो आप एजुकेशन रिलेटेड आप फुल फॉर्म भी बहुत गुड़ाए पचार तेणु आप ट्राए करूँ एजुकेशन को रिलेटेड करुवा जितको भी आपंकर टर्म गुड़ाए अच्छे तार फुल फॉर्म गुड़िक जानापी ओके द नेक्स्ट अच्छी कौन देखु जे करेन्ट पेरेन्ट टीचर इंटराक्शन सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल नेशनल इवेंट्स इन स्कूल इंडिकेट्स माने इंडिकेट्स दैट जे देखु जहाँ भी सोसाइटे चली इंटराक्शन पेरेंट टीचर को जो इंटराक्शन हो आप मीटिंग हो ठीक अच्छे ता सहित आप सोसाइटल जहाँ भी फेस्टिवल सब रही नेशनल कहतु कि स्टेट लेवल जहाँ भी फेस्टिवल हो सेलिब्रेट कर स्कूल तार अर्थ कौन ना सोसाइटी को लेकिन आप चली सोसाइटी को लक्ष्य करके आप स्कूल चली हाँ कि नहीं तेणु ऑप्शन नंबर बी हम राइट आंसर जे स्कूल इज ए सोशल एम्बेडेड इंस्टीट्यूशन माने सोसाइटी जो सब भी जिनस होती स्कूल चली सो आटा को कह जाए जे स्कूल इज दि मिनिएचर वर्जन ऑफ सोसाइटी यहाँ जब जानते आमर मिनिएचर वर्जन ऑफ सोसाइटी स्कूल को कहुए मिनिएचर माने छोट सोसाइटी गोटे छोट अंश है स्कूल तेणु से हिसाब से आपड़ ऑप्शन नंबर बी सहित जी स्कूल इज सोशियली एम्बेडेड इंस्टीट्यूशन आउ कौर भी देखो सोसाइटी कथा लिखाई नहीं तेणु बाकी तीन टा ऑप्शन आपको रिजेक्ट हो गला ओके सो ऑप्शन बी हो राइट आंसर द नेक्स्ट कौन अच्छे देखो
इन ए क्लासरूम फ्रिक्वेंटली डिस्टर्बड ड्यू टू स्टूडेंट्स। ओके, गोटे क्लासरूम टा बहुत टाइम डिस्टर्ब हो किसी स्टूडेंट पाई फर गेटिंग टू ब्रिंग देयर पेनसिल। अच्छा, किसी सब बेले किसी पिला आपनकर पेनसिल आनिबा भूली जाउछन्ती जहाँफल आपनकर कौन क्लासरूम डिस्टर्बेंस हो माने से माने पेनसिल आनिबा भूली जाउछन्ती से डिस्टर्बेंस हो। ओके, देछि जे दि बेस्ट एक्शन टू मेक स्टूडेंट रेस्पोन्सिबल एंड अल्सो मेक कंटिन्यू टू दि लेसन। माने आपण कौन कले जो डिस्टरप्शन टाक बंद कर पारे क्लासरूम तो देखते से माने पेंसिल आने भूली जाऊँगी तेनाली जब गोटे किसी पेंसिल स्टॉक रखी थे ठीक अच्छे निज पाखे जब किसी पेंसिल स्टॉक रखी थे तेज आपते भी पेंसिल भूली जाऊँगी जब गोटे दौरान तेज से कौन क्लासरूम डिस्टरबेंस हम ना ऑब्वियस कथा तेणु ऑप्शन नंबर डी हम से अनुसार राइट आंसर कीपिंग ए स्टॉक ऑफ पेंसिल एंड लैंडिंग वन ऑन ए कॉलेटरल। ओके, जिते बड़े दरकार है कौ छुआ गोटे भूलिकी आईदेले से डिस्टर्ब करना ना क्लासरूम। ओके, सो ऑप्शन नंबर डी जे आपण कौन करेंगे बट आपड़ी गिविंग दि टीचर्स पेंसिल और निज पेंसिल तो केवे देवे ना कहीं आपन को भी किसी कम कर ठीक से भाई पेरेन्ट्स प्रिंसिपाल मानक जनइबे ना कि कौन ना फार्मली डिसेबल्ड माने ताको पार्टिसिपेशन ही करिया पई देवानी ए तीनटा जाक नेगेटिव जिनस बट एटा देखंतु निज पाखरे जदि स्टॉक थिबो आपनकर आपन को देकी कौन क्लास को प्रोसीड करि परिबे। देन कौन अच्छे देखंतु स्मॉल चिल्ड्रन आर समटाइम्स सीम टू डिमांड दैट दे बी गिवन ए चांस टू ड्राइव। अच्छा, पिला माने कौन चाहती ना तांकु चांस मिलु किछि रे पार्टिसिपेट करिया पई बा अन्य किछि कार्य करिया पई दिस इज क्लियरली इंडिकेट्स दैट। तो एटा कौन इंडिकेट करूछ ना एटा राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। माने कौन पिला माने आपन को डिमांड करछन्ती जे एटा करंतु एटा करंतु तेनो आपन कौन आपन ऑर्गेनाइजेशन ठीक भाबे करि पार नहंती जहा पर पिला माने कौन पार्टी करछन्ती बा पार्टी होरी करछन्ती सब पिला जदि कहिबे जे ए भलिया पढांतु किबा एटा हो खेल हो फास्ट कि फास्ट एटा पढांतु तो से भलिया हले आपन का कथा सुनिबे तेनो आपन को मैनेजमेंट निश्चित भाबे कोन गुडे कमी रहउछि तेनो आपन को लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रहउछि। ओके, सो ऑप्शन नंबर डी हम आपन को राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखो नेक्स्ट आपन को आसीगला फिजिक्स बा फिजिकल साइंस क्वेश्चन। सो आम पार्ट वन को डिस्कशन कर देलु जोटा कि आम 7th अक्टोबर तो जदि किसी भी डाउट थे निश्चित भाव में आप कमेंट बॉक्स से कमेंट करके जनातु तो वीडियोटे भल लगे निश्चित भाव में गोटे लाइक करने सांग सहित सेयार करेंगे आ चैनल को नुआ थे चैनल टी सब्सक्राइब करने। ओके, तो आज सेसन में ये नेक्स्ट आम पुणी थे केते गुड़े नेक्स्ट जहाँ भी रही आपन क्वेश्चन बा सेट क्वेश्चन सेट रही डिस्कशन करदे रेगुलरली तो वीडियो भल लगे निश्चित भाव में लाइक करूँ शेयर करूँ आ चैनल नुआ थे सब्सक्राइब करूँ। आज सेसन रखुची, नमस्कार।